और दक्षिण में दोनों ध्रुवों से नीचे की तरफ यानी सेंटर की तरफ ये ठंडे होके मटेरियल, और जब नीचे की तरफ आते हैं ठंडे होके भारी होके स्थिर होके, जब ये नीचे की तरफ आते हैं यानी सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, तो सेंटर की तरफ जाने पर यहां उपस्थित अत्यधिक तापमान, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ और ज्यादा तापमान मिलेगा और ज्यादा दाब मिलेगा, तो यहां तक आते आते हाई टेम्परेचर उनके उस मैग्नेटिक कैरेक्टर को समाप्त कर दिया होता है, तो समाप्त हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी एक कंटिन्यूअस एक कैरेक्टर ग्रहण की हुई है रोटेशन के रूप में, यानी लगातार सतत घूर्णन करती जा रही है, इसलिए ये कैरेक्टर समाप्त होने के बावजूद तुरंत ही फिर से वही तत्व जिन भी खनिजों के रूप में युग्मित हैं या कंपाउंडिंग किए हुए हैं, ये सारे कंपाउंडिंग मिनरल्स फिर से जब ये अगली यात्रा करते हैं तो फिर से वही बिहेवियर गेन करते हैं, फिर से वही कैरेक्टर गेन करते हैं, यानी फिर से उनमें चुंबकीय गुणों का विकास होता है, फिर ये उत्तर की तरफ और फिर ये दक्षिण की तरफ मूवमेंट करते हैं, और जब ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है तो सतत इन गुणों का विनाश और विकास चलते रहता है, यानी लगातार इनका निर्माण भी हो रहा है और लगातार इनका विनाश भी होते रहता है। अब चूंकि लगातार निर्माण हो रहा है वह स्थायी नहीं है, इसलिए स्थायी नहीं है क्योंकि वहां पर तापमान बहुत ज्यादा है जो इसको नष्ट कर दे रहा है, और चूंकि यहां पर निर्माण लगातार हो रहा है क्योंकि पृथ्वी लगातार रोटेट कर रही है, इसलिए निर्माण और विकास की यह सततता जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी का इस स्वरूप में विकास आरंभ हुआ तब से लगातार अब तक बना हुआ है, वो चल रहा है, और जब ये चल रहा है ये गति चल रही है, तो एक कैरेक्टर पृथ्वी का और जो अभी तक हम लोगों ने संज्ञान इसका लिया है कि पृथ्वी की गति लगातार धीमी होती जा रही है, और जब धीमी होती जा रही है तो इसका इसके धीमे होने का प्रभाव इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर पर पड़ना तय है, पड़ भी रहा है, क्योंकि जब डायनेमो जब इसके स्पीड कम होगी तो जो डायनेमो बिहेवियर है, डायनेमो वाला कैरेक्टर है पृथ्वी का, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी चुंबकीय गुणों के निर्माण और विकास की ये जो सततता है धीरे धीरे शिथिलता आएगी, शिथिल होगा, और इसमें जब इन गुणों का निर्माण और विकास नहीं होगा तो पृथ्वी के दोनों चुंबकीय गुण, दोनों चुंबकीय ध्रुव ये वीक होंगे, कमजोर होंगे, और यदि ये वीक होंगे कमजोर होंगे तो इनका जो भी प्रभाव पड़ता होगा ये प्रभाव हम लोग के ऊपर अगर अच्छा पड़ता होगा इनका प्रभाव, हम लोग अब बुरे दौर में जाने वाले होंगे, और अगर बुरा पड़ता होगा तो अच्छे दौर में आने वाले, लेकिन हम लोग आगे चल के इसको देखेंगे कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर बुरा नहीं बल्कि हमें ये कई प्रकार से सुरक्षा देता है, कई प्रकार से सपोर्ट करता है। हम इसके इस कैरेक्टर को अगर हम विश्लेषित कर रहे हैं तो हम समझें ये कैरेक्टर यहां से इस पूरे मॉडल में आप देखिए, इसमें पूरे मॉडल में ये कैरेक्टर यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मॉडल में आप देख रहे हैं ये पूरा कैरेक्टर पृथ्वी के बाहर ये सतह से ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक